मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना के प्रिय है, जिन्होंने मुश्किल वक्त में देश को बचाया। उन्होंने कहा कि देश की जनता उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों का लाभ उठा रही है। पीवी नरसिम्हा राव की जयंती के मौके पर सीएम ने उनकी सेवाओं को याद किया। पीवी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने देश को दुनिया के शीर्ष देशों के सामने खड़ा करने की नींव रखी। केसीआर ने कहा कि राज्य सरकार आधिकारिक तौर पर पीवी नरसिम्हा राव की महानता को याद करने के लिए जयंती समारोह का आयोजन कर रही है। केसीआर ने साफ किया कि वह पीवी नरसिम्हा राव की प्रेरणा से देश के विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मंत्री हरीश राव ने तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन पर सनसनीखेज टिप्पणी की है। उन्होंने आलोचना की कि राज्यपाल भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर बोल रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि राज्यपाल तमिलिसाई चिकित्सा क्षेत्र की कठिनाइयों को नहीं पहचानती है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के तौर तरीकों में राजनीति साफ नजर आती है। उन्होंने कहा कि उस्मानिया पर राज्यपाल की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट दी थी कि यह इमारत अस्पताल के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी राय दे दी है और मामला कोर्ट के अधीन है। हरीश राव ने सवाल किया कि क्या राज्यपाल को राज्य में सरकार द्वारा किए जा रहे अच्छे काम नजर नहीं आ रहे हैं। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि दशकों का इतिहास रखने वाले उस्मानिया अस्पताल की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। राज्यपाल ने ट्विटर पर कहा कि अस्पताल की नई बिल्डिंग का निर्माण जल्द कराया जाए। राज्यपाल तमिलिसाई ने राज्य सरकार से उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत के निर्माण के संबंध में पहले किए गए वादों को पूरा करने को कहा। उन्होंने जस्टिस फॉर ओजीएच नाम के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में अस्पताल में मरीजों को हो रही दिक्कतों की तस्वीरें ट्वीट में जोड़ी गई। इसके साथ ही राज्यपाल ने नए भवन के निर्माण के लिए संयुक्त संस्था द्वारा जारी पत्र की तस्वीरें भी ट्वीट में संलग्न की। उन्होंने कहा कि उस्मानिया अस्पताल का कई लोगों का सर्वोत्तम चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का इतिहास रहा है। गवर्नर तमिलिसाई ने जस्टिस फॉर ओजीएच के ट्वीट को रीट्वीट किया और अस्पताल की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने राज्य सरकार से अस्पताल के नए भवन का निर्माण शीघ्र करने का आग्रह किया। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने गांधी भवन में अपनी 102वीं जयंती मनाई। टीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष पोन्नाला लक्ष्मैया, कांग्रेस नेता टी कुमार राव और एसपी क्रांति कुमार ने उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पोन्नाला लक्ष्मैया ने प्रधानमंत्री के तौर पर पीवी की देश के प्रति सेवाओं की सराहना की। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री इटेला राजेंद्र ने एक बार फिर सनसनीखेज टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रगति भवन से उन्हें मारने की साजिश रची गई है। इटेला ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी बीआरएस नेताओं से मिली। राजेंद्र ने कहा कि वे लोग सुपारी देकर उसकी हत्या कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस एमएलसी कौशिक रेड्डी एक मनोरोगी है और अपने साथ मिलकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है। इटेला ने कहा कि उन्होंने करीमनगर पुलिस कमिश्नर के पास उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी विधायक ने कौशिक रेड्डी को बीआरएस से बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एक मनोरोगी को केसीआर एमएलसी नियुक्त किया गया है। इटेला ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र के लोग और पार्टी कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र ने टिप्पणी की है कि उन्हें मारने की साजिशें चल रही है, जिससे आक्रोश पैदा हो रहा है। ऐसे में लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय उनकी सुरक्षा पर फोकस कर रहा है। खबर है कि उनके लिए केंद्रीय बलों के साथ वाई श्रेणी की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उधर उनकी सुरक्षा पर तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने प्रतिक्रिया दी। केटीआर ने राज्य के डीजीपी अंजनी कुमार को बुलाया और इटेला की सुरक्षा पर चर्चा की। इटेला की सुरक्षा की जांच किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से कराने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस बल के माध्यम से लोगों को आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। केटीआर के आदेश के मुताबिक इटेला की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर डीजीपी आज समीक्षा करेंगे। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी इटेला स्थित आवास पर जाएंगे। मालूम हो कि इटेला की पत्नी ने भी सनसनीखेज आरोप लगाया है कि उनके पति को बीआरएस एमएलसी कौशिक रेड्डी से खतरा है। 16 जुलाई को ओल्ड सिटी बोनालो उत्सव आयोजित किया जाएगा। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने सालारजंग संग्रहालय में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों को
बोना महोत्सव के लिए भव्य व्यवस्था करने का आदेश दिया। तलसानी ने कहा कि यह मुख्यमंत्री केसीआर का विचार था कि लोगों को त्योहारों को भव्य रूप से मनाना चाहिए। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद मुख्यमंत्री ने बोनालो उत्सव को राजकीय उत्सव घोषित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न मंदिरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मंत्री ने कहा कि तेलंगाना एकमात्र राज्य है जो निजी मंदिरों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उन्होंने 10 जुलाई को पुराने शहर के मंदिरों को वित्तीय सहायता वितरित करने का वादा किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने सवाल किया कि केसीआर ने पीवी नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी। बंडी ने कहा कि केसीआर को श्रद्धांजलि देने का समय नहीं है। बंडी संजय ने नेकलेस रोड स्थित पीवी घाट पर जाकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बीआरएस, कांग्रेस और पीवी को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने एमएलसी चुनाव के लिए पीवी का उपयोग करने के लिए केसीआर की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे विधानसभा नजदीक आ रही है, केसीआर को सब याद रखेंगे। बंडी संजय ने कहा कि अंबेडकर प्रतिमा और शहीद स्मारक का निर्माण सिर्फ केसीआर के वोट के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए गए। उन्होंने पीवी के लिए केवल एक मूर्ति छोड़ने के लिए केसीआर की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वह मूर्ख है जो कह रहे हैं कि पीवी घाट तोड़ दिया जाएगा। ये सब वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। कुकटपल्ली हैदरनगर में प्रणीत होम्स कंस्ट्रक्शन में गौतमी नगर कॉलोनी की ओर जमीन धस रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कराए जा रहे निर्माण के कारण किसी कॉलोनी की सड़क टूट गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रणीत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कॉलोनी के बगल में 9 एकड़ में बड़ा निर्माण कर लिया है और सेलर निर्माण के लिए 60 फीट का गड्ढा खोद दिया है। बारिश के कारण गौतमी नगर कॉलोनी रोड नंबर 1 सेलर की ओर आधी सड़क धस जाने से कॉलोनीवासी चिंतित है। सड़क के नीचे जल निकासी पाइपलाइन फट गई है और सीवेज का पानी तहखाने के गड्ढे में प्रवेश कर रहा है, जिससे सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। वे इस बात से नाराज है कि प्रणीत कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किए जा रहे निर्माण के कारण उनकी कॉलोनी खतरे में है और उन्होंने जीएचएमसी अधिकारियों से शिकायत की है कि उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए और कार्यवाही की कमी के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। कॉलोनी के निवासी अभी भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि समस्या का समाधान खोजा जाए। निजामपेट नगर निगम कार्यालय में महापौर कोलन नीला गोपाल रेड्डी की अध्यक्षता में आयुक्त रामकृष्ण राव और सत्यनारायण के साथ स्वतंत्र पार्षदों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्होंने अपने प्रभागों की विभिन्न समस्याओं, पेंडिंग में विभिन्न निर्माण विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे पर चर्चा की। महापौर ने संबंधित अधिकारियों को समस्या के समाधान के लिए कड़ी मेहनत करने और लंबित निर्माण विकास कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। निगम के अंतर्गत विभिन्न निर्माण विकास कार्यों की समीक्षा की। इसी प्रकार बरसात के मौसम को देखते हुए सड़कों, जल निकासी, एसएनडीपी नहरों, यातायात समस्याओं, सड़क पैच कार्यों, ऊंचे पेड़ों, बिजली के तारों, खंभों की देखभाल, प्राचीन संरचनाओं की देखभाल, इंजीनियरिंग, नगर नियोजन, स्वच्छता, विद्युत के निर्माण कार्यों को पूरा करना, मॉनसून आदि को लेकर टीम और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा करने और समय समय पर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इस बैठक में पार्षद चितलत दिवाकर, बालाजी नायक, इनुगुला श्रीनिवास रेड्डी, सह विकल्प सदस्य अभिषेक रेड्डी, स्वतंत्र पार्षद वेंकट रामैया, श्रीरामुलु, सुजाता, एनएमसी के संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कुतबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गाजला रामाराम 125 मंडल कैसर नगर के भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बीआरएस में शामिल हुए हैं। विधायक केपी विवेकानंद की मौजूदगी में चिंतल स्थित विधायक कार्यालय में देरागल श्याम और मुथुस्वामी की टीम बीआरएस नेता शेख आबिद के नेतृत्व में भाजपा से बीआरएस पार्टी में शामिल हुई। उन्हें पार्टी खंडवा ओढ़ाकर विधायक रोज पार्टी में आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि वे बीआरएस सरकार के विकास और कल्याण कार्यक्रमों से आकर्षित होकर सत्तारूढ़ दल में शामिल हुए। इस मौके पर विधायक केपी विवेकानंद ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में, केटीआर के नेतृत्व में राज्य विकास और कल्याण के मामले में देश के लिए एक उदाहरण बनकर खड़ा होगा।
उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी में मेहनत करने वाले हर कार्यकर्ता की पहचान होनी चाहिए। विधायक ने पार्टी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं को व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में पूर्व जनप्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कुकटपल्ली एल्लामा बंडा के मोहम्मद गौस पाशा ने राय व्यक्त की है कि जमीन बेचने के नाम पर पैसे खाने वाले धोखेबाजों से कानून को सख्ती से निपटना चाहिए। भूमि पीड़ित ने सोमाजुगड़ा प्रेस क्लब में एक मीडिया सम्मेलन आयोजित किया। उन्होंने कहा कि कुकटपल्ली के एल्लामा बंडा के एमए करीम नामक व्यक्ति ने जमीन खरीद के मामले में उनके साथ धोखाधड़ी की है। इसी जमीन के मामले में पिछले दिनों एमए करीम नाम के शख्स पर एक ही जमीन को तीन लोगों को बेचकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। मोहम्मद गौड़ पाशा ने कहा कि उन्होंने पहले ही स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है। मोहम्मद गौस पाशा ने सरकार से अपील की कि धोखेबाज को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए कानून बनाकर कड़ी सजा दी जाए। रंगारेड्डी जिले महेश्वरम के पूर्व विधायक तीगला कृष्णा रेड्डी ने कहा है कि अगर उन्हें अगले चुनाव में टिकट नहीं दिया गया तो वह बीआरएस की गाड़ी से उतर जाएंगे। नेतृत्व के प्रति काफी असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चूंकि उनकी बहू डॉक्टर अनिता रेड्डी रंगारेड्डी जिला परिषद की अध्यक्ष है, इसलिए वे कह रहे हैं कि एक ही सदन में दो पद नहीं रह सकते। उन्होंने याद दिलाया कि वह भी केसीआर के बराबर ही राजनीति में है। साफ है कि आंदोलन में काम करने वाले कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उन्हें बुलाकर बात की जानी चाहिए, नहीं तो वे अपना रास्ता निकाल लेंगे। उन्होंने कांग्रेस से जीती सबिता को पार्टी में लाकर गलती करने के लिए केसीआर की आलोचना की। तिगला ने कहा कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो वह पार्टी छोड़ देंगे। अगर ऐसा हुआ तो वह किस पार्टी में शामिल होंगे, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस से कोई फोन नहीं आया। नरसिम्हा राव जिला साधना समिति पोचमपल्ली रामन्ना राव के नेताओं ने कहा कि तेलंगाना राज्य के किसी भी जिले का नाम पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर रखा जाना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव की 102वीं जयंती के मौके पर नागोल में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य के मुख्यमंत्री कलवकुंतला चंद्रशेखर राव ने मांग की कि तेलंगाना के किसी भी जिले का नाम पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर रखा जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव की सेवाएं महत्वपूर्ण थी और उन्होंने सभी से अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। यह सराहनीय है कि मुख्यमंत्री केसीआर ने ब्राह्मणों के कल्याण के लिए ब्राह्मण सदन का आयोजन किया। आलेरू मंडल के कोल्लूर गांव के बाहर लोहार जाति की झोपड़ियों में छत के कवर वितरित किए गए। टीपीसीसी महासचिव, आलेरू निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस पार्टी प्रभारी बिरला एलैया व लोहार जाति के लोगों ने बताया कि बरसात का मौसम आने के कारण हो रही परेशानी को देखकर उन्होंने कवर का वितरण किया है। उन्होंने सीएम केसीआर पर यह कहकर धोखा देने का आरोप लगाया कि वह उन्हें डबल बेडरूम देंगे। उन्होंने उनकी पीड़ा देखने और कवर बांटने के लिए बिरला एलैया को धन्यवाद दिया।